Hello everyone, welcome to my channel Shivani Cooks. Today we will prepare bread rolls, but first you guys don't forget to like my channel, subscribe my channel and press bell icon button. So let's come to prepare crispy bread rolls. इसके लिए हम 5-6 आलू उबाल लेंगे थोड़ा सा नमक डाल के. पोटैटोस मैश कर लिए हैं हमने, बॉयल्ड हो गए थे हमारे, उसको अच्छे ढंग से मैश कर लिया है. और हमारे पास है गार्लिक जिंजर मिक्सचर, ग्रीन अनियन और धनिया. अनियन आप सिंपल वाला भी ले सकते हैं, आजकल ग्रीन अनियन अच्छा आया हुआ है इसलिए मैंने ग्रीन लिया है. तो आप इन पोटैटोज में हम धीरे धीरे ये सब मिक्स कर देंगे. गार्लिक जिंजर मिक्सचर मिक्स कर दिया है हमने, इसमें ये अनियन मिक्स कर दिया है सारा. ये हमारे करीबन 4 ग्रीन अनियन थे और ये धनिया भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है. इसके बाद अब हम इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, 1.5 चम्मच के बराबर नमक डाल देंगे. बाकी आपका नमक मिर्च मसाला जो है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा. ये मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ. आधा चम्मच लाल मिर्च, ड्राइड मैंगो पाउडर आमचूर आधा चम्मच, आधा चम्मच धनिया, ये सब डाल करके इनको अच्छे ढंग से मिक्स कर लेंगे. ये जो हमने आलू का मिक्सचर बनाकर रेडी किया था ना, इसको आधे घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था. अब इसको बाहर निकाला है. उसके लिए हम एक बर्तन में कढ़ाई में ऑयल गरम करना रख लेंगे. अब ये देखिए, ये हमारा मिक्सर बहुत अच्छे ढंग से बनके रेडी हो गया है. अब हम ब्रेड रोल बनाना स्टार्ट करेंगे. उसके लिए हमें ब्रेड स्लाइसेस भी चाहिए. अब एक बॉल में हमने 1 ग्लास जितना पानी ले लिया है और इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल लिया है और 2 टीस्पून हमने इसमें चावल का आटा मिला लिया है, जिससे कि हमारे ब्रेड रोल्स बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं. इसको अच्छे ढंग से कर लेंगे. ये देखिए, अच्छे ढंग से ये मिक्स हो चुका है. अब ये जो हमने पानी तैयार किया था, इसके अंदर हमने चावल का आटा डाला है और नमक डाला है, तो इसको हम हिला लेंगे. ब्रेड डिप करने से पहले इसमें हल्का सा ब्रेड डिप करेंगे, इसको प्रेस करेंगे और उसमें आलू फिल कर देंगे. लेकिन इसमें आलू 1.5 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्रेड रोल टूट जाएगा. और इस तरह से इसको प्रेस करते हुए इसको शेप दे देंगे. आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं ओवल शेप दे रही हूँ इसको. इस तरह से अपने ब्रेड रोल्स ये देखिए, इस तरह से हम अपने ब्रेड रोल्स रेडी कर लेंगे. इतने हमारा घी गर्म हो रहा है, इतने हमारे ब्रेड रोल्स रेडी हो जाएंगे. अब ये देखिए, हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ उसमें देखने के लिए हम लोग ब्रेड का एक टुकड़ा डाल के देखेंगे. बहुत तेज गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ठंडा होगा तो ब्रेड रोल हमारे टूट जाएंगे. अभी तेज गर्म होने, देखिए ब्राउन हो गया ब्रेड, तो हम इसमें ब्रेड रोल्स डालेंगे. लेकिन इसको हिलाएंगे नहीं, थोड़ा सा इसको ब्राउन शेड में आने देंगे, उसके बाद हम लोग इसको हिलाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे. ये देखिए, हमने इनको धीरे धीरे पलट लिया, बहुत तेज इसको नहीं हिलाना है. इन सबको हमने पलट लिया है. और ये बिल्कुल जब ब्राउन हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब हम इसको निकाल देंगे. ये देखिए, कितने क्रिस्पी ब्रेड रोल्स बनकर तैयार हुए हैं. दे आर रेडी टू ईट. थैंक यू एवरीवन. गॉड ब्लेस. टेक केयर. बाय बाय.